मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 20 नवंबर को नगरोटा बगवां के प्रवास पर हटवास में फ्रूट कैनिंग इकाई का लेंगे जायजा। नगरोटा में करोड़ों रुपए की विकासात्मक योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। इंदिरा गांधी की जयंती पर प्रदेश भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री ने रिज स्थित स्वर्गीय इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर अर्पित की श्रद्धांजलि। जिला सिरमौर के अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले के लिए प्रशासन ने जारी की एसओपी। 24 नवंबर से आरंभ हो रहा मेला, कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार होगा आयोजन। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर जल्द नजर आएगी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य का लिया जायजा। नगर निगम धर्मशाला में स्मार्ट सिटी के तहत मुख्यालय से कोतवाली बाजार तक बनाया जा रहा स्मार्ट रोड। लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा निर्माण। फुटपाथ और लोगों के बैठने के लिए होगी फर्नीचर की व्यवस्था। सिरमौर जिला के कफोटा में बहु विशेषज्ञता आयुर्वेदिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित। उपाध्यक्ष खाद्य एवं आपूर्ति विभाग बलदेव तोमर ने किया शिविर का शुभारंभ। प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के दुर्गम व बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों के तापमान में आई भारी गिरावट। मनाली लेह मार्ग पर स्थित दीपक ताल झील जमी।